महसूस होती है। क्या जरूरत आज है? मतलब आप लोग इस तरह भी तो रह सकते हैं ना, दुनियादारी में पढ़ के हम लोग पैसा कमा लेते हैं लोग, और कुछ लोग हैं जो ईमानदारी को लेकर बैठे रहते हैं और जो है वो बड़ा ही एक लिमिटेड सोर्सेस के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अगर वो ईमानदारी ना करे और अपनी जो चीजें हैं और एक बड़ी लेविश जिंदगी गुजारे तो क्यों जरूरत महसूस होती है? मेरे ख्याल से ये इंसान के अंदर मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आप सक्सेस को किस तरह डिफाइन करते हैं, तो हर इंसान के अपने पैरामीटर हैं। सही है, ग्रीड एक बहुत बुरी चीज़ है। ग्रीड आपको मतलब मैं इंसान को देखता हूँ हमेशा, कभी किसी फ्रेंड्स में बैठा हूँ या बात करता हूँ तो, और अपने सर्कल में भी मैंने लोगों से कहते सुना है कि यार बस अपनी एक छत बन जाए, उसके बाद चाहे अल्लाह मुझे कुछ ना दे। अच्छा, अब छत बन गई तो यार एक बार मेरे 3-4 बच्चे हैं उनके लिए मैं कोई एक प्लाट आधा छोड़ जाऊँ, एक आधा प्लाट छोड़ जाऊँ तो क्या ही बात है। अच्छा, अब एक प्लाट नहीं यार, मेरे ख्याल से चारों बच्चों के लिए प्लाट आना चाहिए। और इस तरह करते करते ग्रीड का कोई एंड नहीं है। सही है, और ये ग्रीड ही है जो हमें डिसऑनेस्टी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता खींचना शुरू कर देती है। अगर हम अपने हालात में खुश रहना सीख लें और अगर हम अपने से नीचे देखना शुरू कर लें तो मेरे ख्याल से बड़ी चीजों का हल है इस चीज में। अगेन मैं आपसे एक बड़ी बहुत खूबसूरत एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा, दैट माइट टेक 2-3 मिनट्स, लेकिन बड़ी जल्दी से। आपको पता है ब्रिटेन जोन्स है यूके, ये एक सोशल वेलफेयर सिस्टम है। अच्छा, सोशल वेलफेयर सिस्टम जिसमें अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, एजुकेशन के लिए आपके NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज वो फ्री है। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये आया था, एक रिपोर्ट थी 1942 में, इकोनॉमिस्ट लेड पॉलिटिशियन था, उसका नाम था विलियम बेवरेज। अच्छा, इसने 1942 में एक रिपोर्ट दी थी, क्रेडल टू ग्रेव, विच मीन्स के हुकूमत ख्याल रखे एक बच्चा जब पैदा होता है क्रेडल एक कॉट में और ग्रेव जब तक, तो हुकूमत ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अच्छा, अब 1945 में चर्चिल को शिकस्त देके जब लेबर पार्टी दोबारा आई तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट को देखे और बड़ा पसंद किया और पहली बार इसको आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स में इसको नाफिज करना शुरू किया। तो ये जो बंदा था विलियम, ये LSE में पढ़ाता था। सही है, टेक्नोक्रेट था, LSE में पढ़ाता था, इसके साथ एक इसका रिसर्चर था जिसने मिलके ये काम किया। तो उसको मैं जब इंग्लैंड में होता था, अपनी जॉब करता था, एक नाइट की जॉब थी यूनिवर्सिटी के साथ, तो मैं बैठा, एक हार्ड टॉक शो चल रहा था और उसके असिस्टेंट को बुलाया हुआ था जो LSE में उसके साथ काम करता, तो उसने उससे पूछा कि यार, क्वेश्चन था कि यार इंग्लैंड का वेलफेयर सिस्टम तुमने और विलियम ने मिलकर दिया तो ये इतना जबरदस्त आइडिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका वॉकमैन आया, फिर एवोल्यूशन है, उसके बाद CD प्लेयर्स आए एंड देन iPods, तो हर चीज में क्या आ रही है, तरक्की आ रही है, रेवोल्यूशन आ रही है, पैराडाइम शिफ्ट है। आपने ऐसा क्या जबरदस्त सोशल वेलफेयर सिस्टम दे दिया जिसमें आज तक कोई तरमीम नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई पॉलिसी आप चेंज नहीं कर रहे। तो उसने बड़ी मजे की बात की, अब चाहता तो झूठ भी बोल सकता, उसने कहा था यार ये हमारा सिस्टम थोड़ी है, मैं तो इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन हमने और विलियम ने कर दी। तो उसने कहा किसका सिस्टम है? उसने कहा ये कैलिफ उमर का सिस्टम है, ये हजरत उमर का सिस्टम है, दुनिया में पहली बार सोशल वेलफेयर सिस्टम का मुतारिफ कर। तो मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि हम अपने दीन को छोड़ के किसके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, और ऑनेस्टी की लेजिटिमेसी कि मैं ऑनेस्ट क्यों हूं। देखें, दुनिया में ये दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है कि मैं ऑनेस्ट इसलिए हूं बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, सही, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मुझे होना है, जिसकी बेसिस पे मैम, जिसकी बेसिस पे वेस्ट आज है। अच्छा, हम ऑनेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि हम इससे ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल ग्राउंड पे जाते हैं, बिकॉज हमारा इस्लाम कहता है, हमारा इस्लाम कहता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, अगर हम लोग छोड़ दें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, अगर अपनी इस्लामी तालीमात को ही फॉलो करना शुरू कर दें तो आप यकीन करें सब ईमान, सिर्फ अगर हम फॉलो कर लें इस्लाम। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप।